मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 10 साल में कश्मीर के जो हालात है उससे कश्मीर का दिल जख्मों से भर गया है, लेकिन अब उन जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत, पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सकें, अंदर जाके अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती, नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते, कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नई दिल्ली।